इस बीच जल्दी से जरा अभिषेक उपाध्याय के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से आपको क्या जानकारी मिल रही है। कोर्टरूम के भीतर से अंकित गुप्ता क्या बता रहे हैं। अभिषेक देखिए, सबसे सबसे अहम जानकारी मैं आपको यही दे रहा हूँ कि इस समय जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि ईडी की ओर से जो अभी वरुण ने बताया कि 10 दिन की रिमांड की जो की दलील है कि एप्लीकेशन है वो फाइल की गई है। और एक और सबसे अहम बात ये है कि जो के कविता से पूछताछ हुई है वो पूछताछ एक बहुत ही बड़ा मसला रहेगा इस पूरे मामले में, जो कि ईडी जो दलील सामने रखेगी, जो उससे भी जो एविडेंसेस जो मिले हैं वो सामने आए हैं। और एक अहम बात ये भी है कि समीर महेंद्रू का नाम लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडो स्प्रिट कंपनी के मालिक समीर महेंद्रू, और समीर महेंद्रू ने जो इन्फॉर्मेशन दी, और देखिए उनको पहले जमानत दी थी, वो जमानत देने के बाद फिर से वो गिरफ्तार हुए हैं। अभी ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद उनको रिमांड पे भी लिया था, फिर वो अभी जेल में हैं। समीर महेंद्रू ने जो चीजें बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं, रोमाना चौकी जो कार्टलाइजेशन और जो किकबैक हुआ, और एक अहम इशू मैं आपको गोवा चुनाव का बताऊं, और मुझे लगता है कि ईडी के इस रिमांड एप्लीकेशन में उसका भी जिक्र होगा, ऐसा 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 सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि गोवा में ही ये जो किकबैक से पैसा आया वो सिलेक्शन में उसको इन्वेस्ट किया गया, और ये सब आरोप ये कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी में हुआ है। तो जो क्विड प्रो क्यो का मामला है, एक तो इस कार्टलाइजेशन से और इस नई एक्साइज पॉलिसी से, जो जिनके पास दर्शकों को लेकर चलते हैं, तो वरुण जिस तरीके से यहां पर अभिषेक जिक्र कर रहे हैं समीर महेंद्रू से लेकर, मैं अंकित गुप्ता का रुख कर लेती हूं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं अंकित से क्या अपडेट मिल रहा है। अंकित रोमाना, इस वक्त मैं कोर्ट रूम के ठीक बाहर हूं और मैं देख रहा हूं केजरीवाल जज के लेफ्ट साइड पर खड़े हुए हैं, मुझे लगता है आवाज में खासी दिक्कत आ रही है। इस वक्त दरअसल कोर्टरूम के भीतर में अंकित गुप्ता मौजूद हैं और वहां पर कनेक्शन बहुत साफ नहीं है, जितना मैं समझ पाई हूं। अंकित गुप्ता ये बता रहे हैं कि अभी भी सुनवाई तो शुरू नहीं हुई है, इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो है वो बता रहे हैं कैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने वकील के साथ मौजूद हैं, अभिषेक मनु सिंह भी वहीं पर मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, और उनसे बीच बीच में कुछ बात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस बीच एक बार फिर से वरुण जैन का रुख करते हैं और जरा जानते हैं वरुण से अभी अपडेट क्या मिल रहा है। वरुण, अभी भी इंतजार किया जा रहा है क्या, सुनवाई अभी नहीं शुरू हुई है क्या? देखिए, बिल्कुल अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, जज बैठे हुए हैं, इंतजार एएसजी का ही है। जैसा कुछ मिनटों पहले भी हो रहा था, वो रास्ते में है, जाम में फंसे हुए हैं, और केजरीवाल अपने जो वकील है अभिषेक मनु सिंह और जो उनकी टीम है उनके साथ कुछ उनकी बातचीत चल रही है। मुमकिन है जो ये गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके की ग्राउंड को लेकर तैयारियाँ हुई है, उस पर ही उनकी अपने वकील के साथ बातचीत हो रही होगी। तो कुछ देर में जब कोर्ट शुरू होगी तभी आगे देखना होगा किस तरीके से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो अपनी रिमांड की मांग करती है, क्या वो दलीलें रखती है, और किस तरीके से जो डिफेंस है वो अपनी बात कोर्ट के सामने रखेगी। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करी, एक लंबा समय से एक जो जांच है वो चल रही है, कई इससे पहले करीब 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई जो लोग हैं, कई आरोपी जो है वो सरकारी गवाह बने हैं, कई कनेक्टिंग एविडेंस है, और तो वो सब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कोर्ट के सामने रखेगी और ये बात बताएगी कि क्यों अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है, किस तरीके से के कविता के साथ पूरी साठगांठ हुई थी और इस पूरी साजिश को रखी गई थी, और जो 100 करोड़ रुपए थे वो किकबैक के तौर पर मिले थे, उस जो 100 करोड़ रुपए का दावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया जा रहा है, उसकी जो मनी ट्रांजैक्शन है उसकी ट्रेल है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी तक पहुंची थी, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो मिल सके। लेकिन कोर्ट से लगातार जो हमारे को अपडेट मिल रहे हैं वो यही है कि अभी मामले पर जो सुनवाई है वो शुरू नहीं हुई है और अभी फिलहाल इंतज़ार हो रहा है। ईडी की तरफ से जो एएसजी राजू है, एसवी राजू, वो अपनी दलील रखेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ देर और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब वो कोर्टरूम में पहुंचे हैं तभी आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू हो पाएगी।
बिल्कुल, तो ऐसे में अभी इंतजार कोर्ट रूम में एएसजी राजू का किया जा रहा है। और अब जो जानकारी मिल रही है अदालत की तरफ से भी, ये कहा गया है दिल्ली पुलिस को कि उनको लेकर आया जाए, वो दरअसल ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इसी वजह से ये देरी हो रही है। आप जानते हैं कैसे, 1:55 के आसपास का समय हो रहा था, मतलब 2 बजे से पहले ही ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंच गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट। और ऐसे में कोर्ट रूम में 2 बजे के आसपास जज साहब भी पहुंच गए थे। और अब आप जानते हैं 2:21, मतलब 21 मिनट हो गए हैं और जज साहब जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, एएसजी अभी तक पहुंचे नहीं हैं, वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इसी वजह से कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू नहीं हो पा रही है। यहां पर थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन इस सबके बीच एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करेंगे, वरुण जैन, अंकित गुप्ता और साथ ही अभिषेक उपाध्याय, हर अपडेट राउज एवेन्यू कोर्ट, कोर्ट रूम जहां पर खुद अरविंद केजरीवाल इस वक्त मौजूद हैं, वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, कुछ देर पहले जो बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि साहब कड़ी से कड़ी जुड़ी तभी अरविंद केजरीवाल को लगी हथकड़ी, तो वो कड़ियों से कड़ियां जो जुड़ी उसमें के कविता की गिरफ्तारी और रिमांड पर के कविता के दिए गए बयान, उसी ने सबसे ज्यादा मुश्किल बढ़ाई अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल, देखिए के कविता की गिरफ्तारी और इसके पहले आपको बोनापल्ली की याद होगी, जो बुची बाबू जो सीए उसकी याद होगी, जो उसने जो बातें सामने रखी थी और जो टीडीपी पार्टी की और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की ओर से जो उनकी पार्टी के कुछ जो नेता थे उनकी उनकी गिरफ्तारी के बाद भी जो बातें सामने उनकी उनसे पूछताछ में जो बातें सामने आई थी, तो ये कई लेयर पे चीजें हैं। साउथ ग्रुप, जिस साउथ ग्रुप को बताया जाता है कि के कविता रिप्रेजेंट करती है, उस साउथ ग्रुप की ओर से चूंकि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट हुआ है, दिल्ली में जो जोन है मैक्सिमम जो जोन है इस एक्साइज पॉलिसी के बाद, वो उसी साउथ ग्रुप को गए हैं रोमाना, और उसी साउथ ग्रुप से ये आरोप है कि 100 करोड़ रुपए आए हैं आम आदमी पार्टी को, 45 करोड़ रुपए हैं गोवा इलेक्शन में इन्वेस्ट किए गए। अभिषेक उपाध्याय, मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त अपडेट आ रहा है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। अब हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है बड़े अपडेट के साथ। वरुण, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, जो एएसजी राजू है वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और उनकी तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से 10 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट रूम से मांगी गई है। एएसजी राजू ने कहा है केजरीवाल को दिल्ली में 21 अप्रैल को गिरफ्तार किया है, रात को 9:05 पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो 10 दिन की जो रिमांड है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कोर्ट में मांगी गई है। अभी अब से कुछ ही मिनट पहले जो एएसजी राजू है वो पहुंचे थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट बाहर चले गए थे, तो कुछ मिनट का और इंतजार रहा था, लेकिन अब कोर्ट रूम के अंदर जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है और 10 दिन की जो रिमांड है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मांगी गई है। जी, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी वरुण जैन दे रहे हैं। एएसजी राजू, जिनका इंतजार किया जा रहा था आपसे कुछ देर पहले, वो कोर्ट रूम में पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के साथ ही अदालत में सुनवाई शुरू हो गई। जैसा कि आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बताया, ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग रखी है। एएसजी राजू ने ईडी की 10 दिन की रिमांड की मांग अरविंद केजरीवाल की वो रख दी है अदालत के सामने। अब देखना यह होगा कि इस 10 दिन की रिमांड जो मांगी जा रही है ईडी की तरफ से, इसको बैक करने के लिए ईडी की तरफ से दलीलें क्या रखी जाती है और काउंटर में अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं, क्योंकि अभी तक जो दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से रखी जा रही हैं वो ना एविडेंस ना रिकवरी इस बात को दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो आरोपी हैं उनके बयान को आधार बनाकर इस तरीके से किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स की गिरफ्तारी असंवैधानिक है, ये वो दलीलें हैं जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दोहराई जा रही है। ऐसे में अदालत के सामने अब ये दलीलें जो हैं वो जब कानून की कसौटी पर कसी जाएंगी तो फिर जो न्याय का तराजू है वो किसके पक्ष में उसका पलड़ा झुकेगा, इसी का इंतजार है। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, अभी क्या चल रहा है कोर्ट रूम के भीतर? एएसजी की तरफ से 10 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की जो ईडी ने मांगी है वो रख दिया गया अदालत के सामने, अब आगे क्या? देखिए बिल्कुल, सुनवाई शुरू ही रिमांड एप्लीकेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगाई गई और 10 दिन की रिमांड की मांग की गई। कोर्ट को बताया गया कि कल रात को 9:05 पर केजरीवाल की गिरफ्तारी डाली गई है और जो आधार है वो भी, किस आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वो भी कोर्ट को बताए गए हैं। तो फिलहाल अभी जो एएसजी राजू है उनकी तरफ से अपनी बातें रखी जा रही है कि किन किन आधार पर जो अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को
चाहिए। तो कोर्ट के अंदर जिरह चल रही है जिसमें एएसजी राजू ने कहा है कि केजरीवाल को 21 मार्च को यानी कि कल गिरफ्तार किया और 10 दिन की रिमांड की जो मांग है वो की गई है। अभी फिलहाल कोर्ट से जो हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता है उनकी तरफ से अपडेट भेजे जा रहे हैं और साथ ही एएसजी ने कोर्ट आपको बता दूं ईडी ने केजरीवाल का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी कोर्ट के अंदर दाखिल किया है क्योंकि जब केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर है जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका मेडिकल कराया जाता है। कोर्ट ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन सबमिट कोर्ट में सबमिट करने के बाद 10 दिन की रिमांड मांगी। ये बात बताई कि वो आखिरकार क्यों 10 दिन की रिमांड चाहते हैं। साथ ही जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अभी कोर्ट के अंदर ईडी की तरफ से दाखिल की गई है। तो फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है, जैसे जैसे रुमाना अपडेट आता जाएगा हम अपने दर्शकों को भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है कि ईडी की तरफ से 10 दिन की हिरासत 10 दिन की जो रिमांड है वो मांगी गई है। जी तो ये बड़ी खबर अभी तक की ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मांगी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। ईडी ने जो मेडिकल करवाया था अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स भी अदालत के सामने रख दी गई हैं और ईडी की तरफ से वकील ने यह बताया है अदालत को कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो 21 मार्च को की गई, रात 9:05 पर की गई और अब 10 दिन की रिमांड चाहिए अरविंद केजरीवाल की ताकि जानकारियां अरविंद केजरीवाल से हासिल की जा सके। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से सियासी तौर पर यह मामला गरमाया है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के लिए संकल्पबद्ध नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, लेकिन इस सबके बीच नजरें इस वक्त लगी हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट, जहाँ कोर्टरूम के भीतर सुनवाई चल रही है। और क्या अपडेट मिल रहा है ईडी की तरफ से और क्या दलीलें रखी जा रही हैं? 10 दिन की रिमांड ईडी जो मांग रही है अरविंद केजरीवाल की वो क्यों? वरुण, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए बिल्कुल अभी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन ईडी ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर हमने अरविंद केजरीवाल को पेश कर दिया है और जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट थे वो भी अरविंद केजरीवाल को पढ़वा दिए हैं। 28 पेज है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के, यानी कि 28 पेज के अंदर जो ग्राउंड्स है जिनके चलते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो 28 पेज के हैं और अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर जो दलीलें हैं वो रखी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है कि कोर्ट को ये बात की जानकारी दी गई है कि केजरीवाल को जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो पढ़वा दिए गए हैं। 28 पेज के ये ग्राउंड्स हैं जो कि कोर्ट के सामने रखे गए हैं और 10 दिन की उसके चलते 10 दिन की जो रिमांड है वो मांगी गई है। जी बहुत शुक्रिया वरुण जी, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो कोर्टरूम में सुनवाई चल रही है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है, ईडी की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं, फिर अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी और फिर देखना होगा कि अदालत फैसला क्या सुनाती है।